नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। बी ए वॉइस नॉट एन इको, ठीक है, किसी की प्रतिछाया न बने। जो ज्ञान है उसको ग्रहण कीजिए सभी से, कोई भी हो, और उसको अपने तरीके से प्रतिपुष्टि कीजिए उसकी। चलिए, आज बहुत ही अच्छी अपडेट्स है मेरे पास में, जो मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, और वो है KVS और DSSB। पहले हम बात करेंगे KVS के अपडेट की। KVS में बच्चे पूछ रहे हैं भाई कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम तो जब होगा वो बताएंगे, लेकिन एक और न्यूज़ आ रही है कि KVS में सेकंड लिस्ट भी आ सकती है, जिसकी उम्मीद 5% है, जिसकी उम्मीद 5% है। और एज पर शेड्यूल KVS की जो वैकेंसी है वो मार्च तक आ जानी चाहिए, फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मार्च तक आ जाती हैं एज पर शेड्यूल। लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि थोड़ा डिले भी हो सकती हैं, मार्च अप्रैल में भी जा सकती हैं, लेकिन अगर फरवरी में आ गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर अप्रैल में भी जा सकती हैं, लेकिन एज पर शेड्यूल मार्च तक इसमें ये आ जाती हैं हर साल, जैसा इनका ट्रेंड चला आ रहा है। लेकिन इस बार ड्यू टू सम रीजन, एक तो आपका वेटिंग का ये भी चला हुआ है कि 5% चांस हैं कि और सेकेंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी, उस पर संशय बना हुआ है। तो जैसे ही ये संशय हट जाएंगे, अगर अभी की लोगे तो आपकी फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, नहीं तो फिर मार्च अप्रैल में आपकी आएगी। तो ये था KV अपडेट। अब हम बात करते हैं DSSB की अपडेट। देखिए, DSSB में सबसे पहले जो बर्निंग टॉपिक चला हुआ है वो है वैकेंसी कब आएंगी, कितनी आएंगी, वो मैंने क्लियर कर दिया है आपको, पूरी वैकेंसी की मैंने कितनी अभी बची हुई है, और कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि वैकेंसी आएंगी 100% आएंगी, इतनी निकल चुकी हैं, उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, और जो बाकी बची हैं 11,000 समथिंग, वो आनी ही आनी है। उनको पेश कर दिया गया है DOE की तरफ से, और अब केवल काम बचा हुआ है DSSB का कि कब वो एडवर्टाइजमेंट निकाल लेंगी, ठीक है, अब वो उनका काम है। लेकिन ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर काफ़ी काम है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी कार्य में व्यस्त हैं, और इलेक्शन का काम काफ़ी होता है, जो करता है उसको ही पता है, ठीक है, या तो जल्दी आ जाएंगी, अभी आ जाएंगी, या आपको कभी भी आ सकती हैं, और हो सकता है कि आप इसके बाद भी आएं, आपके कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि 8 फरवरी के बाद भी आएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एज पर माई न्यूज वो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि काम की बहुत ज़्यादा बिजीनेस है तो वो फरवरी के सेकंड या थर्ड वीक में भी आ सकती हैं, जब केजरीवाल साहब के इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद भी आ सकती हैं, ऐसा इंडिकेशन भी मिल रहा है। लेकिन इंडिकेशन जो हमारा है वो 90% है, अभी आ सकती हैं, 10% का इंडिकेशन बाद का है। ये रहा वैकेंसी का। अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, जो प्राइमरी का आया था, उसको कभी भी आ सकता है, वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, हो सकता है कल ही आ जाए, परसों आ जाए, ठीक है। जो हमारा PRT का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट टीचर का, बच्चे बहुत कह रहे हैं कि सर कब आएगा, कब आएगा, वो आ जाएगा। फिर है तीसरी जो सबसे बर्निंग है आजकल, वो है वेटिंग लिस्ट। देखिए, वेटिंग लिस्ट आज तक DSSB ने कभी शो नहीं की है। उनका मानना है कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हम वेटिंग पैनल बना लेते हैं, और जो पोस्ट खाली रहती है हम ऊपर से बुला लेते हैं, और वो यही करते आ रहे हैं। लेकिन हमने कोशिश की है अग्रवाल सर से मिलकर और हरबीर जी से मिलकर कि हमें वो शो होनी चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बन जाए कि मेरा नंबर है, मुझको ही बुलाया गया है। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में आप आश्वस्त रहें, वो एक साल तक वैलिड रहती है, और आपको जो वैकेंसी प्रकाशित हुई थी उसके अगेंस्ट आपको लिया जाएगा। तो चलिए, ये था
लेटेस्ट अपडेट अबाउट KVS एंड DSSB। नमस्कार, जय हिंद।